जो लोग ट्विटर पर बहुत बड़ी टिप्पणियां करते हैं, एक फूटी कौड़ी यानी एक पैकेट भी भोजन का उन्होंने किसी गरीब को इस दौरान नहीं दिया है। भगवान करे कि किसी विपक्ष के नेता को कोविड हॉस्पिटल में जाना पड़े। चार चरणों के लॉकडाउन के बाद आज देश में अनलॉक वन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीएम योगी भी इस चरण को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन विपक्ष है कि कोई मौका नहीं छोड़ता सीएम योगी पर तंज कसने का, आरोप लगाने का। फिर चाहे वो मजदूरों का मुद्दा हो या फिर कोरोना संक्रमण के आंकड़े, विपक्ष लगातार सीएम योगी पर हमलावर रहता है। और निशाना साधने वालों में सबसे ऊपर नाम आता है कांग्रेस का, जो कभी बसों को लेकर तो कभी मजदूरों की हालत को लेकर सवाल दागते रहते हैं। लेकिन सीएम योगी भी विपक्ष को जवाब देना अच्छे से जानते हैं। दरअसल सीएम योगी ने ऑनलाइन माध्यम से संवाददाताओं से कल बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पैकेज से यूपी को कितना फायदा मिला उसके बारे में वो बता रहे थे। इसी दौरान एक पत्रकार ने एक सवाल पूछ लिया कि योगी जी, आपकी नीतियों की पूरी दुनिया में चर्चा है, लेकिन विपक्ष है कि लगातार हमलावर रहता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उसके बाद सीएम योगी ने विपक्ष की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि सुनने वाले भी हैरान रह गए। तो चलिए आपको सुनवा देते हैं सीएम योगी ने विपक्ष को किस तरह से करारा जवाब दिया। मुख्यमंत्री नमस्कार, मैं अतीश चौधरी न्यूज स्टेट से। मुख्यमंत्री, इसमें कोई दोराय नहीं है कि आपने और आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है कोरोना संक्रमण काल में। आपके यहाँ से कहा गया, लगातार कहा गया कि मई में 1 लाख कोविड हॉस्पिटल बेड की व्यवस्था कर ली जाएगी, 50 टेस्टिंग से 10,000 टेस्टिंग आज पहुंच गई है। विपक्ष की भी बात अगर कर ले इसमें, तो लगातार आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो आंकड़े आपकी तरफ से दिए जाते हैं वो आंकड़ों की दरअसल बाजी करी है। और दूसरा, लॉकडाउन उल्लंघन के नाम पर विपक्ष के नेताओं को बंद किया गया है, उनको समाज सेवा करते करते। देखिए, मुझे बताते हुए प्रसन्नता, और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे इन आंकड़ों को देखा है। आज हमारे प्रदेश में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के कोविड हॉस्पिटल में 1,01,000 बेड उपलब्ध हो चुके हैं। और आज ही ये चीजें हम लोगों ने तैयार करने में हमें सफलता प्राप्त हो गई है। यानी पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य के पास ये सर्वाधिक संख्या, और उत्तर प्रदेश ने इसमें सफलता प्राप्त की है। साथ साथ 10,000 टेस्टिंग की क्षमता आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन की हो चुकी है। ये दो हमारी उपलब्धि है। 15 जून तक हमने टेस्टिंग की क्षमता को 15,000 करने, इसके बाद 30 जून तक 20,000 तक प्रतिदिन करने की व्यवस्था की है। अब तक हमारे पास आज की डेट पर हम लोग 2,72,000 टेस्ट संपन्न कर चुके हैं। आप अनुमान कर लीजिए कि जहां पे हमारे पास जब कोविड का पहला केस उत्तर प्रदेश में आया था, तब हमारे पास 50 टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता थी। आज हम 10,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। और ये आंकड़े की बाजीगरी नहीं, जो कार्य हो रहा है और जो सेवाएं मिल रही हैं, ये जनता उसको महसूस कर रही है। भगवान करे कि किसी विपक्ष के नेता को कोविड हॉस्पिटल में जाना पड़े, अन्यथा आंखों से वे इन चीजों को देखते और सही सेवा करते तो इस प्रकार का प्रश्न और इस प्रकार की टिप्पणी इस समय नहीं करते। हम लोग आगे भी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने शुरू से इस बारे में कहा था, ये संकट किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, मजहब या पार्टी का नहीं है। ये वैश्विक संकट है, और वैश्विक संकट का सामना सबको मिलकर करना चाहिए, और सभी लोग मिलकर के अगर इसका सामना करते अच्छा होता। लेकिन आपने देखा होगा, नकारात्मक राजनीति इस हद तक, जो लोग ट्विटर पर बहुत बड़ी टिप्पणियां करते हैं, एक फूटी कौड़ी यानी एक पैकेट भी भोजन का उन्होंने किसी गरीब को इस दौरान नहीं दिया है, उनकी असलियत देख सकते हैं। और जिन लोगों ने कोटा से बच्चों को वापस लाने में राज्य सरकार से तेल भी मांगा और किराया भी मांगा, वे हमें बस की सूची देते हैं। जब हमने बस मांगने के लिए उनकी सहमति, उनकी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकार किया, तो वे आंकड़े इतने फर्जी निकले कि अगर हम उसमें सहमति देते तो बच्चों के जीवन के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ हो रहा था। आप एक डिजास्टर के खिलाफ लड़ाई के समय में इस प्रकार का फर्जी कार्य कर रहे हैं और जनता की और छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अक्षम्य अपराध है, और इस प्रकार की कारगुजारी, इस प्रकार का फर्जीवाड़ा कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता।
राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर के प्रत्येक नागरिक को न केवल सम्मान और सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है बल्कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा भी दे रही है और आगे भी हम ये क्रम हमारा ये निरंतर आगे भी चलता रहेगा। तो सुना आपने, सीएम योगी ने साफ कह दिया कि यूपी में जो कार्य हो रहा है उसे जनता महसूस कर रही है। सीएम योगी की इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।